नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का ये पेपर है और वर्कशॉप कंसल्टेंस व एम्प्लॉयज के लिए है। साथ ही अगर आप अन्य ट्रेड से हो तो आप भी इस पेपर का एनालिसिस करो, क्योंकि मैथ और आपके यानी वर्कशॉप कंसल्टेंस और एम्प्लॉयज के क्वेश्चन आपस में कॉमन आते हैं, तो आप भी इसका कर सकते हो। आज के पेपर में यह क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आज के पेपर में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना था, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ दोस्तों, अगर आपको इन पेपर की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप ITI CBT एग्जाम के नाम से भी सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। शायद दोस्तों, वहाँ पर हज़ारों बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर जो रोज़ एग्जाम कुछ बच्चे देख के आते हैं, जो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि आज 30 या 40 क्वेश्चन कोई बच्चा लिख के आता है आपस में, कोई भी बच्चा जो एग्जाम देखा था, फिर वो डिस्कस करते आज ये क्वेश्चन आए, फिर वो पूछते सर इनके आंसर बताओ। तो इस प्रकार आपको भी हेल्प मिल सकती है अगर अभी आपकी एग्जाम नहीं हुई है। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन है इनमें से मूल इकाई कौन कौन सी है। दोस्तों, वो होती है लंबाई, द्रव्यमान व समय। अगला क्वेश्चन है MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है। दोस्तों, वो दर्शाता है आपका मीटर। अगला क्वेश्चन है 0.003 × 0.5 का गुणनफल क्या है। दोस्तों, वो होता है 0.0015। अगला क्वेश्चन है 0.456 दशमलव बिंदु को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 45.6%। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो दोस्तों, वो होता है आपका लोह धातु। अगला क्वेश्चन है धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। दोस्तों, वो होता आपका कठोरता। अगला क्वेश्चन है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा इनवार इस्पात। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे कहते हैं घनत्व। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें नहीं होता उसे सदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। दोस्तों, वो एक होता है। अगला क्वेश्चन है फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। दोस्तों, वो होता है लगभग 212 डिग्री फारेनहाइट। ये आज पूछा गया पेपर है दोस्तों, तो वीडियो में रास्ता जरूर बने रहना। अगला क्वेश्चन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 85.5 ग्राम रेत 0.1 तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 128.25 जूल। अगला क्वेश्चन है धारा की इकाई क्या होती है। दोस्तों, वो होती है एम्पियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो दोस्तों, तांबा सबसे अच्छा कंडक्टर है इनमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट है और 500 वाट से तो प्रतिरोध है। दोस्तों, आर बराबर होता है V² / P। तो 220 × 220/500, तो इसका आपस में हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 96.8 ओम। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm है। तो उसका भुजा स्क्वायर सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 25। अगला क्वेश्चन है उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 mm, 20 mm और 28 mm है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 88 mm। अगला क्वेश्चन है लीवर के फिक्स एम सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है। दोस्तों, इसका नाम है फलक्रम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों, वो है आपका सीजर्स का एक पेयर। अगला क्वेश्चन है थीटा का मान क्या होगा यदि sin θ = √3/2 है। दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 60 डिग्री। अब आगे इम्प्लॉयज के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं 60 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। तो दोस्तों, वो होता है साक्षात्कार कार में जाए। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वर नहीं है। दोस्तों, AEIOU आता है, F इसका स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, ये हम होमोफोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों, ये हम कहते हैं साइबर क्राइमर। अगला क्वेश्चन है छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वो आपका लेन प्रकार का। अगला क्वेश्चन है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट यानी लंबाई वार प्रिंट होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है WN का विस्तार रूप क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा C यानी वेड एरियल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष कार्य के लिए संप्रण को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, उसे कहते हैं हम कमिटमेंट। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, वो आता है आपका अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। दोस्तों, संदेश अस्पष्ट होना।
अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है दोस्तों कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपका संयुक्त उद्गम। अगला क्वेश्चन है, ATM का विस्तार रूप क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, KYC को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है दोस्तों, वो आपका आय प्रमाण पत्र। अगला है, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है दोस्तों, वो आपकी 80 से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आता है आपका शारीरिक जोखिम। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी खालिस्तान से अधिक नहीं होने चाहिए तो दोस्तों वो होते हैं 48 घंटे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है दोस्तों, वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है दोस्तों, वो आपकी 7। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पेपर का कौन सा फार्मूला सही है दोस्तों, इसका फार्मूला नंबर 1 सही है, तो राइट आंसर 1 दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।